आपको ना दुबई की भाषा पता नहीं है, आइए मैं आपको 3-4 वर्ड और दुबई के बता दूं। चलिए ना प्लीज। अरे आप मैं आई लव यू टू। व्हाट? अच्छा हुआ बीवी नहीं लेके आई। यस आप प्लीज रिपीट कर सकती हैं। अरे आप कहाँ भाग रहे? हेलो दुबई। कहाँ से आ रहे तुम लोग? अरे वो तो मैं भाई को जूते दिलवाने गई थी लेकिन साइज नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुंह का साइज चाहिए बता भी देता हूँ। आप हमेशा इतना रूडली क्यों बात करते हैं मेरे भाई से? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। बुर्ज खलीफा देखने चला गया वहां पे, नीचे से बोल रहा है जो सबसे ऊपर वाले घर हैं तो बड़े-बड़े छोटे-छोटे, इनमें लोग कैसे रहते होंगे? नहीं अकेले तो बात मत किया करो। अरे जीजू वो तो मैं मजाक कर रहा था, आपने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया लगता है। अबे शुक्र कर किसी ने तो तेरे को सीरियसली लिया, नहीं तो जब ये पैदा हुआ ना फैमिली वाले रोने लग पड़े, कहते ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्यों झूठ बोल रहे आप, हमारे घर वाले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हाँ। कितना प्यार है हम सब में। आप कहाँ जा रही हैं? मैं इधर ही मंगवा लेता हूँ टैक्सी। अच्छा वैसे ही जा रहे हैं पानी पीने, शुक्रिया, बड़ा अच्छा सूट पहना है आपने, ऐसा इसको भी दे दो ये भी कभी अच्छी लगने लगे। इतना बड़ा जूड़ा करके मैं दुबई में जा रही हूँ, स्पेशल जूड़ा करूंगी, बुर्ज खलीफा देखते देखते पीछे गिर गई जूड़े की वजह से। एक सेकंड, अगर आपका हो गया हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या? हम आपको ये बताने आए थे कि हमारे चाचा यहाँ आने वाले हैं। कौन से चाचा तुम्हारे? 5-6 ही तो हैं, उनको मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे कौन रहता है? अच्छा 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 अच्छा, जो हमारी शादी में पंडित की धोती चुरा ली थी जिसने। अरे नहीं नहीं वो धोती तो चाचा की थी, पंडित जी ने चुरा कर पहन ली थी। तो अपने ताऊ को पंडित बनाओगे तो यही होगा। इतना कमीना फेरे करवा रहा है, आधा घी हवन में डाल रहा आधा धोती में, वो तो गर्मी की वजह से पिघल गया तो पकड़ा गया वहां पे। हाँ भाई क्या बात है भाई, क्या मसला है? चाचा जी पाए लागू, चाचा जी जीते रहो जीते रहो। चाचा जी पाए लागू। और तुम अभी तक बड़े नहीं हो, दुनिया चांद में पहुंच गई तुम उधर ही हो, तुमने क्या डिसीजन लिया हुआ है बेटे, बड़े हो जाओ, क्या सोच रहे हो तुम? हो जाऊंगा कल, हो जाऊंगा कल। क्या आज छुट्टी है क्या? हाँ आज छुट्टी है। चाचा जी ये मेरे पति है बिट्टू शर्मा। ये बिट्टू शर्मा? हाँ जी। ये तेल के कुएं में रहते हैं तुम्हारे चाचा? बाहर धूप में रहते हैं ज्यादातर, कैसे के ये चाचा है क्या? चुड़ैलों की मम्मी है? इधर तुमने मेरे को बताया नहीं तुम्हारे चाचा की बेटी भी आ रही साथ में? वो बेटी नहीं है मेरी वाइफ, पत्नी। वाइफ है आपकी? सलाम अलैकुम बिट्टू जी। बहुत ज्यादा वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी, चाची है वो। क्या किस्मत है ऊपर वाले, पुराने चार्जर नए मोबाइल लेके घूम रहे, वाह। चाचा जी आप अभी बिट्टू जी से अच्छे से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पानी कुछ इंतजाम करके। बहुत है तो हॉल में बहुत इको, काम क्या करते हो बच्चे, इधर आओ इधर आओ। चाय पानी थोड़ा डीजल लाओ गिलास में, वो पिलाओ उनको। मैं बहुत काम करता हूँ जी, मैं इंटरव्यू लेता हूँ। इंटरव्यू? हाँ। तो कोई भी ले सकता है बेटे, काम क्या करते हो? ओहो जानू तुम क्यों ऐसे तंग कर रहे हो, जान देने की उम्र में जानू जानू सुन रहे हैं, वाह कमाल हो रहा है ऊपर वाले तेरी पेपर भाइयां। मैं आपको हमारी लव स्टोरी के बारे में बताऊं? आपकी लव मैरिज हुई है? Yes, it was a love marriage. Actually, वो क्या है ना कि हमारा इंटरनेट रोमांस हुआ था। इंटरनेट? तो हम लोग इंटरनेट चैटिंग करते थे, तो एक दिन मैंने इनसे कहा कि मुझे अपनी फोटो भेजो ना। फिर? तो इन्होंने ना अपने बैंक की पासबुक की फोटो भेज दी। हाँ। तो वहाँ पे फोटो पे नहीं बैंक बैलेंस पे मेरी नजर सीधा चली गई, वहीं पे मेरा हार्ट फेल हो गया। तो तभी से लव एट फर्स्ट साइट। कितना मेरा बैंक बैलेंस है बेटे, तुम्हारे जैसे बिट्टू शर्मा तेरे जैसे बंदे के अकाउंट में 500 रुपया हो ना तो वहां का चौकीदार नहीं होता गनमैन, उसको तेज पत्ती की चाय पिलाता है, जागते रहना मेरी रकमें अंत भाई। तुम करते क्या हो, काम क्या करते हो? मेरा काम पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? बेटे मेरे बड़े बड़े कारोबार हैं। क्या? ये तूफान नहीं आते, आंधियां तूफान तेज हवाएं चलती हैं। हाँ। ये शॉपर नहीं उड़ते वो मैं पकड़ता हूँ। आंधी आती लिफाफे पकड़ते हैं? लिफाफे पकड़ के 2-3 लाख रुपए के बेच देता हूँ। समंदर से लहरी नहीं आती बाहर पानी की? हाँ। वो वाइपर से अंदर करता हूँ। बड़े बड़े कारोबार है मेरे बच्चे, हवाई जहाज पेंट करता हूँ। वो कैसे करते? जब वो ऊपर जाता है छोटा हो जाता है
मैं उसको पेंट कर देता हूँ। इनमें क्या देखा था आपने? बेटे मैं बादल खरीदता हूँ, बादल नहीं होते गड़गड़ 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 बारिशें पड़ती हैं, वो गरीब इलाकों से खरीदता हूँ, इधर भेज देता हूँ, इधर बारिश ना होती दुबई में तो थोड़ी अपने मुंह पर भी करवा लिया करो बारिश। इनका हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया था। इनका हेयर स्टाइल? हाँ जी। इसमें तो हाथ पालो, उसके बाद बाल कटवाने पड़ते निकालने के लिए, इतने उलझे हुए हैं ये, कहाँ से हेयर स्टाइल लग रहा है? ऐसा मत बोलो मेरे जानू को। जानू? जानू? तेरी उर्दू ठीक नहीं, ना तेरे हिंदी आती तुझे, ना अंग्रेजी आती है, सिर्फ पेंट कोट पहन के तुम इसका हस्बैंड बन गए हो, मेरी भतीजी का काम क्या करते हो बताओ? मंजू ओए काम बता, रोब ना डाल। आप इतने बड़े आदमी हैं, किस दिन टाइम निकाल के मर क्यों नहीं जाते आप? बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं, सारे रिश्तेदारी ऐसे ही यार। ओए अरबों पैसे मेरे पास, करोड़ों रुपए, मैं कैसे मर जाऊं? सब कुछ छोड़ के, इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के मर जाऊं? ये मिली वैसे कहां से आपको इतनी खूबसूरत बीवी? एक जगह है बताऊंगा तुझे, वहां पुरानी छतरियां बनती हैं, सुंदर बीवियां देते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं। अरे अंकल आप पहली बार आए हमारे घर में, आप जाइए। पैसे वाले लोग हम, पैसे वाले लोग गरीब लोग नहीं है, तो गरीब लोग बीवी के थले लगे होंगे, नीचे लगे होते हैं। हाँ भाई बेटा ये होते हैं पैसे वाले लोग, देखो चलने का सलीका, ये पैसे वाले लोग हैं, पेट आपका वो बाहर जा रहा है अबू धाबी तक, पैसे वाले लोग हैं बड़े आप। उसके पीछे क्यों पड़ गया, जब बहनों की शादियां कर देते फिर पीछे नहीं करते, मेरा दिमाग ना खाइए यहाँ पे। ठीक है जानू चलो आ जाओ, जाओ मेरे साथ आ जाओ। I'll see you later. मैं आपको आके मिलता हूँ। Bye, Bittu, see you. How are you, बेटा? ये लो। कम कम बेटा कम कम, ऐसा एक एक सेकंड लेके आइए। आजा बेटा आजा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा आजा आजा, आजा मेरा बेबी। ओए होए होए, आप तो बड़े प्यारे हो, कहाँ से आ रहे हो? इंडिया से। इंडिया। अच्छा अभी आप मेरे को क्या करके गए थे अभी? एक सेकंड, आपको माइक ले लो, ये माइक, आपने कभी बोला है माइक में? नहीं बोला बेटा? अब हेलो, क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ मुझे आप बार बार? अच्छा ये दोनों थान में से कपड़ा सस्ता मिल रहा है, दोनों ने एक जैसी ड्रेस बना ली। पापा बताइए क्या करके गए थे बेटे आप जाते हुए अभी? बाबा जी का थुल्लू। अरे सबको करके बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, करके बताओ कैसे करते हैं? बाबा जी का थुल्लू। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये आपकी मम्मी है पक्का ना? आपकी बेटी बहुत प्यारी है, गॉड ब्लेस, थैंक यू मैम। गुट्टी गुट्टी पलक पलक। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए, शुक्रिया। अब मैं स्टेज पे जिनको बुलाने जा रहा हूं वो शख्सियत है जो आपकी रगों में जोश भर देंगे, जिनके गाने ब्लॉकबस्टर हिट होते हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार सुपर हिट सॉन्ग्स के बादशाह, द वन एंड ओनली माय ब्रदर मीका सिंह। गंदी बात। इतनी गंदी भी नहीं थी सर जिससे आपने ज्यादा कर दी। गंदी बात तो गंदी रहेगी यार। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली गंदी बात है जब बच्चा इंडिया में मिट्टी खाता है, चौक खाता है, बोलते बेटे नो गंदी बात, या नोजी साफ करती है तो बोलते गंदी बात, वो वाली गंदी बात। पर एक्चुअली बात तो यही थी, लेकिन जब आप गाते तो लोगों का ध्यान उस तरफ ही जाता है। अब आप उधर ध्यान और लेके जाओ उधर। और किसको लगता है कि वो मिक्का का फैन है और मिक्का जैसा गा सकता है? अच्छा आप अलका याग्निक के गाने गाती हैं, आप मिक्का जी के गाने गाती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमें भी देखें, हम लोग भी तो आए ना। नहीं नहीं बिल्कुल आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो अच्छा वैसे आप मिक्का का गाना नहीं गाने वाली? नहीं सुनती हूँ ना अच्छे से। अच्छा सुनती हैं? सुनती हूँ, डांस करती हूँ। अच्छा जी, पाजी इनके इनके हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है मैडम, कोई गाना आपकी तरफ से? मेरे हस्बैंड सिद्धू जी के बहुत अच्छे दुबई में आए, लोग आपको देखना चाह रहे, दो मिनट आओ पाजी। ओ यार तुम एक बार सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां। ओहो पारी हो जाए, तड़पता भड़कता नंबर, जोरदार ताली हो जाए एक बार मिका पाजी के लिए। दिल से खराब किया गाना। और मेरे फेवरेट सिंगर है नरेंद्र चंचल जी, उनकी याद दिला दी उन्होंने गाया। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो प्यार से। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। थैंक यू सर, बड़ा मजा जी सर। अब आप ही बचे हैं तो मुझे चांसेस आपके काफी लग रहे हैं जीतने के। एक लाइन गाऊंगा मैं, दूसरी हमने सुननी भी नहीं है।
जी सारी दुनिया मेरे इस पे ये मेरे बचपन के गाने सुना रहा है बचपन जब मैं अच्छा लड़का होता तो मैं कोई और गाना एक अच्छा लाइन हो गया हूं नहीं आता और कहीं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूं इन चारों में से आप किसको विनर चुनना चाहेंगे पहले वाले हाँ दूसरे वाले यही वाले ये वाले ये वाले ये वाले तो कहने का मतलब ये भाई साहब विनर है आपको मुबारक हो आपको मिलता है 1 करोड़ आशीर्वाद मतलब हम आपको क्या दे सकते हैं थैंक यू सो मच जोर लगा लेने के लिए यार और आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और आपको थैंक यू ब्रदर थैंक्स अ लॉट ब्रदर थैंक यू सर यार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतना एंटरटेनिंग ऑडियंस है हमारी वेट जूस मी यू डोंट जूस मी गन्ने की जूस चुप कर जूस मी यहां पे मैं भी मिका कॉन्टेस्ट चल रहा है और दुबई की मेन सिंगर को आप भूल ही गए उसको पूछ भी नहीं रहा कोई मैंने इस पेपर में पढ़ा है खलीज टाइम्स में यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है ना छुपा रहे थे मुझसे बट शी लुक्स लाइक हनी सिंह्स एल्डर सिस्टर